प्रदेश के कई जिलों से आए नर्सिंग के छात्रों ने मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी का घेराव करते हुए जमकर हंगामा किया। स्टूडेंट के इस विरोध प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रही। छात्रों का आरोप है कि मान्यता देने के बाद यूनिवर्सिटी ने प्रदेश के कई जिलों के नर्सिंग कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी। ऐसे में हजारों छात्रों के भविष्य पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी का घेराव कर मांग की गई है कि सरकार और मेडिकल प्रबंधन छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनकी मदद करे। नर्सिंग कॉलेज छात्र संगठन के अध्यक्ष मिलन कुमार ने बताया कि मेडिकल यूनिवर्सिटी ने अकस्मात प्रदेश भर में करीब 100 से अधिक नर्सिंग कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी। ऐसे में अब हजारों छात्रों का भविष्य खतरे में आ गया है। नर्सिंग छात्र नेता ने बताया कि 2020 बैच के इन छात्रों की 2 साल की पढ़ाई पूरी हो चुकी है। कुछ ही दिनों में छात्रों की परीक्षा भी होनी है, पर अचानक ही मेडिकल विश्वविद्यालय प्रबंधन ने तुगलकी फरमान जारी कर सैकड़ों कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी। छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी के द्वारा मान्यता देने के बाद अचानक ही उसे रद्द कर दिया गया। मेडिकल नर्सिंग छात्रों का कहना है कि हमारे सभी कॉलेज को मध्य प्रदेश शासन मेडिकल काउंसिल ने निरीक्षण करने के बाद मान्यता दी थी और इनको अधिकार भी दिया था। नर्सिंग छात्रों ने राज्य सरकार कुलपति कुल सचिव से मांग की है कि छात्रों पर अत्याचार ना करें, क्योंकि इन्होंने कोरोना संक्रमण के दौरान अपनी जान पर खेलकर सेवाएं दी हैं। शासन के पास नर्सिंग स्टाफ की बेहद कमी थी। ऐसे में नर्सिंग के छात्रों से सरकार के द्वारा गवर्नमेंट अस्पतालों में काम भी करवाया गया। मेडिकल यूनिवर्सिटी का घेराव कर छात्रों ने मांग की है कि हमारी समस्या का समाधान करने का निर्णय ले। मध्य प्रदेश नर्सिंग छात्र संगठन के अध्यक्ष मिलन सिंह ने मेडिकल कार्य परिषद के सदस्य सुनील राठौर, जो कि नर्सिंग कॉलेज के संचालक भी हैं, उन पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने मेडिकल कॉलेज को दलाली का अड्डा बना रखा है। सुनील राठौर पर आरोप लगा है कि वह कार्य परिषद के सदस्य होने के कारण प्रदेश के कई नर्सिंग कॉलेज को ब्लैकमेल कर मान्यता के लिए उनसे रुपयों की डिमांड कर रहे हैं। जो नर्सिंग कॉलेज कार्य परिषद के सदस्य सुनील राठौर की डिमांड पूरी नहीं करता है तो उनका मीटिंग में विरोध किया जाता है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता है, तब तक उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। मेडिकल यूनिवर्सिटी में हजारों छात्रों को देख कुलपति डॉक्टर अशोक खंडेलवाल भी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मुलाकात की। कुलपति डॉक्टर अशोक खंडेलवाल का कहना है कि अभी इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता है, पहले कार्य परिषद समिति की बैठक होगी और बैठक के बाद ही छात्रों के हित को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा। मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति का कहना है कि हाईकोर्ट के निर्देश पर ही कई कॉलेज की मान्यता रद्द की गई है, जो कि हाईकोर्ट के निर्णय के अभी अधीन है। विखंडता हुई है, कार्य परिषद के सदस्य सुनील राठौर ने यहाँ पे एक दलाली का अड्डा बनाया है, जो ग्वालियर से हैं, नर्सिंग कॉलेज के संचालक भी हैं। इन्होंने व्यवसाय बनाया है, कॉलेज संचालकों को ब्लैकमेल करते हैं कि पैसा दोगे तभी संबद्धता होगी। तो उसके बारे में ही हमने अभी तो कुछ नहीं कह सकते, मीटिंग के बाद ही कहेंगे, जो सर्वसम्मति से बाकी कार्य परिषद सदस्यगण सभी मिलके छात्रों को हित में ध्यान रखते हुए, नियमों को भी ध्यान में रखते हुए, जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा हम जरूर करेंगे।